भारत क्या चाहता है? आप भी ये सोच रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद है, तनाव है, भारत की भूमिका क्या है, भारत चाहता क्या है इसमें। संयुक्त राष्ट्र में भारत का बयान ये है, हम तनाव भरे माहौल से गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि सैन्य टकराव हो। भारत ने साफ कर दिया है कि सैन्य टकराव हो यह भारत नहीं चाहता है। सकारात्मक कूटनीतिक समाधान से नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। यूक्रेन में भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं। भारत ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, भारत युद्ध नहीं चाहता है, सैन्य टकराव नहीं चाहता है, भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाए और जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, युद्ध ना हो, सैन्य टकराव ना हो, यह भारत का स्टैंड है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ कर दिया है इस बयान को देकर। तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों को मान्यता दे रहे हैं, दोनेस्क और लुहांस को वो स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे रहे हैं। रूसी सेना भेजने का भी आदेश वहां पर उनकी तरफ से कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इन हिस्सों में शांति अभियान चलाया जाएगा क्योंकि ये हिस्से इस वक्त अशांत हैं, यहां पर रूस की सेना जाएगी और इन हिस्सों को शांति स्थापित करने में मदद करेगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन हैं, वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की हम छूट नहीं दे सकते हैं रूस को, रूस को रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनकी तरफ से साइन कर दिया गया है जो बाइडन की तरफ से। यूक्रेन समेत अपने सहयोगी देशों से वो बात करेंगे, ये भी वो कह रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।